अभी हम लोग ना अपने कामत पे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि इस मेरे बगल में मम्मी का स्मारक है और यहाँ पे हम लोगों ने जो हम लोग प्रयोग करते रहते हैं अपना, हम लोग एक नर्सरी भी रेस करते रहते हैं ना, तो कॉम्बो पैक का नर्सरी होता है, तो इसके मिट्टी को हम लोग ठीक करते रहते हैं इसमें। और अब जैसा ये देखेंगे, ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टिक्स हैं, डंटी हम लोग कहते हैं इसको, यहाँ ये कटिंग्स हैं बेसिकली पिंक पेपर का, जो महिलाएं वहाँ सेग्रीगेट कर रही हैं, तो उसके बाद जो उसके जो ब्रांचेस के जो छोटे मोटे ये होते हैं ना, उसको हम लोग जो हेल्दी वाले होते हैं उसमें, 8-10 इंच के जो हेल्दी वाले रहते हैं, उसको हम लोग नर्सरी बैग्स में ग्रो करने की कोशिश करते हैं इसमें। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं होता है, मोर्टैलिटी बहुत हाई होता है, बट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ आर एक्सरसाइज की कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी इसमें। एक ग्राफ्टिंग वाला है ही, दूसरा हम लोग इसमें करते हैं, इसमें हम लोग ना जिसमें पिंक पेपर कर का ये रेस कर रहे हैं, इसमें हम लोग नींबू नहीं डालेंगे, जिसमें नींबू रहता है इसमें। पर एक एक बैग्स में, एक एक नर्सरी बैग में 3-4 पौधे होंगे इसमें। अभी जैसे कल परसों में सुबोध को हमने कहा है कि जो मध्य प्रदेश से जो मैंने मंगाया है वो सौजन मोरिंगा सीड्स मंगाए हैं, तो उसको वो गोमूत्र और वर्मी कंपोस्ट और चिकना मिट्टी और ये सब पानी और घन जीवामृत सब में सोख करके डाइल्यूट करेगा उसको, तो रात भर छोड़ देगा उसको और सुबह फिर उसको इसमें लगाएगा। तो सौजन विल बी कॉमन टू ऑल दिस बैग्स। और जिसमें लेकिन पिंक पेपर है उसमें, चूंकि यहाँ तो सब में पिंक पेपर है, तो इसमें नींबू का कटिंग्स नहीं लगाएंगे हम लोग इसमें। इसमें पिंक पेपर के साथ हम लोग सौजन लगाएंगे, स्वीट पोटेटोस का लगाएंगे इसमें, शकरकंद लगाओगे इसमें, दो ये हो गया, इंसुलिन के पत्ते भी लगाओगे इसमें, अगस्त्या का जी नहीं वो नहीं। तो अभी के लिए तुमको क्या लग रहा है, सिर्फ शकरकंद लगाओगे, पिंक पेपर लगाओगे, खस और अच्छा खस और सौजन, तो 4 चीज रहेगा इसमें जी। तो सौजन का एक फायदा ये होगा, सौजन और खस का, दे विल अनेबल दी कटिंग्स टू ग्रो फास्ट। तो उसमें अगर 10% भी अगर हम लोग करीब सोचे हैं कि 10,000 से 20,000 हम लोग लगाएंगे ये कटिंग्स जो हम लोग लगा रहे हैं इसमें। अच्छा, इसमें जो हम लोग लगा रहे हैं तो सिर्फ कटिंग्स को इसमें नहीं लगाते हैं, इसे मिट्टी में डाल के, नॉर्मली जो किसान भाई लोग करते हैं यहाँ, उसमें क्या रूटेक्स आता है उसमें वो लोग डुबा के करते हैं उसमें, पर रूटेक्स से ज़्यादा बढ़िया माध्यम जो है वो शहद होता है। तो चूंकि हम लोग शहद तो बहुत रहता है हम लोग के पास, हार्वेस्ट करते हैं, तो हमने कुछ शहद ले आए हैं अभी, और शहद में सभी स्टिक्स को डुबाते हैं उसमें, सोक करते हैं बहुत अच्छे से, और जब सोक हो जाता है तो फिर उसको इस मिट्टी में डालते हैं, एंड दे वर्क बेटर देन दी रूटेक्स। तो आप उसमें दो चीज़ आपका हासिल होता है, एक रूटेक्स में जो केमिकल्स होते हैं उससे आप बचते हैं, और ये प्योर प्योर चीज़ है और काम वही है, और शायद ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा अच्छा काम है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा पिंक पेपर आपको यहाँ पे ये जो निकला है, लगा हुआ है यहाँ ये, तो सुबोध ही हम लोगों का बहुत अच्छा हो गया है ये वाला जी। और उधर चलो, उधर के नर्सरी बैग्स में हम लोग क्या क्या किए हैं वो भी एक हम लोग देख लें। मेरी इच्छा क्या है ना, ये इंसुलिन प्लांट है ना जी, इसका भी चटनी इसकी, अच्छा इंसुलिन प्लांट की मैं बात बताऊँ आपको, इसके पत्ते के चटनी बहुत अच्छा बनता है, इंसुलिन पत्ते के जो पत्ते होते हैं ना उसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। मैंने खाया था अभी, योगेंद्र ने मुझे पूर्णिया में खिलाया था और रोशन ने भोपाल में खिलाया था, भोपाल में भी कुछ इंसुलिन के प्लांट्स हैं, सो बड़ा अच्छा उसमें टेस्ट आता है, तो यू मस्ट ट्राई, अगर आपको मिलता हो इंसुलिन के पत्ते तो उसकी चटनी बहुत, माने आम के आम गुठली के दाम, स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य और स्वाद और स्वास्थ्य दोनों आपको मिलेगा। ये तो हमारा वो वाला है ना बीज रहित नींबू के जो पेड़ हमने कुछ नर्सरी बैग्स में हम लोग ग्रो कर रहे हैं इसको, अभी इसको बाद में इसको हम लोग प्लांट करेंगे यहाँ। और ये सब पुराने नर्सरी बैग्स हैं जो अभी इसको फिर से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ये हो गया है। तो इसमें इसमें क्या क्या है सुबह, ये नर्सरी बैग्स में तुम्हारा नींबू का कटिंग, ये तो अपना गंधराज नींबू वाला है ना जी, और उसमें भी सब तुम्हारा नींबू वाला ही है जी, सब आ गए, ख़राब तो नहीं हुआ उसमें फिर से? 100% तुम्हारा बचा हुआ है? हाँ, कि कुछ गए भी हैं उसमें? नहीं, अभी नया वाला लगे ले थी। अच्छा, नया अभी नया अभी हाल में लगाया हुआ यहाँ पे नींबू के कटिंग जो है, ये सब वही है ना जी। तो ये हमारा, हम लोग यहाँ पे इस एरिया को हम लोग ने केला में यूज़ किया है और नर्सरी बैग्स को नर्सरी रेस करने में लगाए हैं। इसमें बहुत सारे जो बैग्स ख़राब हुए हैं, इसके मिट्टी को फिर से हम लोग ठीक करके इसमें फिर से हम लोग ट्राई करेंगे, तो रिसाइकिल कह लीजिए या रीयूज़ कह लीजिए, रिसाइकिल वुड बी अ रॉन्ग टर्म,
रीयूज ऑफ द बैग्स हम लोग करेंगे यहाँ पे, ये पूरा वही है। और यहाँ पे हम लोगों ने स्वीट पोटैटो शकरकंद भी बहुत लगाया है यहाँ पे। इधर ही लगाया हो ना शकरकंद तुम? नहीं उस साइड। अच्छा उस साइड में लगाया हो तुम, ओके। माने तुम माने उत्तर में लगाया हो जी, ओके। तो ये रहा माने टू इंट्रोड्यूस यू टू, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा अच्छा इंसुलिन प्लांट्स है वहाँ, ये सारे इंसुलिन प्लांट्स है यहाँ। तो चटनी तो मैंने खाया है सर, आप लोग भी खाइए अगर आप लोग इंसुलिन प्लांट्स अगर मिलता है तो। अगस्त्या प्लांट्स की का पकौड़ा और ये इंसुलिन प्लांट्स की चटनी, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो। और इसकी जो हमारी जो देसी चिनिया केले हैं ये, इसका भी स्वाद है वेरी स्मॉल, माने 6 inches होता है उसका ये लेंथ, बहुत बढ़िया, वेरी हेल्दी। माने इवन डायबिटिक पेशेंट्स कैन हैव दैट विदाउट एनी फियर। दो केले अगर वो डायबिटिक पेशेंट्स भी खाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, तो यानी कि शुगर की ज़्यादा समस्या नहीं होती है उसमें, है ना? ये सब वही है ना जी, इंसुलिन का ही है ना? ठीक है। तो ये छोटा सा हमने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, ये नर्सरी बैच का, उधर भी इंसुलिन ही पता है, इंसुलिन काफ़ी इन्होंने ग्रो किया है। इसको हम लोग, इसको तुम इसको यहाँ से निकाल के उधर ले जाओगे ना, ट्रांसप्लांट करोगे ना जी, कहाँ पे लगाओगे इसको? बगीचा में लगाओ ना, इसको आम के बगीचा में। हाँ, बगीचा तो वहाँ भी तो हो ही सकता है ना छाँव, ये तो शेड्स में भी हो जाता है ना बहुत अच्छा से। ये शकरकंद का है जैसे, ये तो अपने मल्टीप्लाई भी करेगा जी। ये पूरा शकरकंद का ही हम लोगों ने लगाया था और ये बहुत इन्वेसिव होता है, तो ये अपने आप ही बहुत ज़्यादा अपना स्प्रेड करता जाएगा। ये 2-4 महीने बाद आप आएंगे तो देखिएगा पूरा भरा हुआ है। इसकी देख रेख की जिम्मेदारी सुबोध पे ही है। और ये हमारा वर्मी कंपोस्ट का जो पिट है, ये तुम्हारा वर्मी कंपोस्ट भी तैयार है सुबोध जी, इसको भी निकलवाओ। और इसको निकलवा के जो अपने हम लोग जो हार्वेस्ट ये पानी डालोगे उसमें, इसको चैनल्स में डाल के छोड़ दो, रिलीज करो उसमें, तो पूरा तुम्हारा जमीन वाटर्ड हो जाएगा वो, ठीक है ना? ये तुम्हारा पूरा तैयार है। और एक बार तुम कैमरा उधर घुमा दो, हमारी महिलाएं जो हैं यहाँ पे, हमारी शक्ति, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी महिला सेना जो है यहाँ पे। ये लोग अपने आप को भैया जी की सेना कहती हैं वैसे, सबको ये कहती हो ना? अच्छा वो गंगेली वाली अपने आप को सेनापति भी बोल रही है। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हाँ ये गंगेली वाली है, ये झगड़ा वाली भी है, पर इसको खराब लगता है जब मैं बोलता हूँ। चलिए।